maybe. कब आया इसमें? हेलो, कुछ भी बोलो, फिर की आवाज सुन लिया। हेलो, आर यू रेडी हिमांशु? हेलो रेडी। हेलो, फेसबुक लाइव देख रहे आप सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। सरधना विधानसभा से मैं संगीत सोम की पत्नी प्रीति सोम आज आपके आगे 10 फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए संवाद करने आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण मतदाता के लिए मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हेतु प्रथम चरण का मतदान होना है। सरधना विधानसभा में प्रथम चरण में 10 फरवरी को ही चुनाव होगा। फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सरधना सीट से मेरे पति चुनाव मैदान में हैं। इसके पूर्व लगातार 2 बार सरधना से वे यहाँ के विधायक हैं। आपके आशीर्वाद से, आपने अपने आशीर्वाद से विधायक जी को यहाँ से हमेशा अपना आशीर्वाद देके उन्हें जिताया है। इतना ही नहीं, सरधना की महान जनता मुझे भी अपने बहू के रूप में बहुत प्यार देती है। जैसे मैं सरधना में प्रचार करने निकलती हूँ तो मुझे आपका बहुत बहुत प्यार मिलता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहीं और आकर या कहीं प्रचार कर रही हूँ। मुझे आप अपनी बहू बेटी की तरह बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि माताएं बहनें मुझे बहुत आशीर्वाद देती हैं और मुझे आपके बीच में आके बिल्कुल अपनापन सा लगता है। और अपने मन की बात कहना चाहूं तो मुझे सरधना में तो ऐसा लगता है कि ये मेरा घर ही है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है। आपने विधायक जी को भी इतना प्यार दिया है, वे आपके बीच में ऐसे रहते हैं, मतलब आप ये समझो कि 5 साल में मुझे नहीं लगता कि वे घर भी जाते होंगे। वो आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, उनका मन ही यही रहता है आप लोगों के बीच में। आज मैं सिर्फ आपके बीच में इसलिए आई हूँ, पहली बार मैं आज उनके फेसबुक लाइव पे आज मेरा मन इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरधना की जनता उन्हें समझे, उन्हें दिल से समझे। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बीच रहना चाहते हैं। आप अपनी वोट 10 फरवरी को जो चुनाव हो रहे हैं उसे सोच समझ के दे। आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे कि पहली बार सरकार आई, जब संगीत सोम जी पहली बार चुनाव लड़े, आपको पता है कि उस समय सपा की सरकार थी। उस टाइम में सपा की सरकार में उनके ऊपर, आपको पता है कांड में उनके ऊपर क्या मुकदमे लगाए गए, रासुका भी लगा दी गई। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पुलिस हमें आके कैसे परेशान करती थी, उस सरकार में हमें कितना दुखी करती थी। पूरी रात हम सोते नहीं थे, रात को 2-2 बजे भी मेरे बच्चे भी उठते थे, मैं भी उठती थी। पुलिस आके हमें दुखी करती थी कि हम भी इस तरह से भी नहीं सो पाते थे कि कहीं ना जेल ना हो जाए। किसके लिए? उन्होंने सब कुछ अपनी जनता के लिए, अपनी देश की जनता के लिए, अपने सरधना के लिए, तो आप ये समझो कि उन्होंने सब कुछ अपना निछावर कर दिया। और आज भी योगी सरकार, जब से दोबारा वे 2017 में विधायक बने हैं, उसके बाद से योगी सरकार में आपको पता है कि कितना अच्छा हो गया सब कुछ। हम लोग नई योजनाएं लेके आए हैं, कितने काम हमने करवाए हैं सरधना में। आपको मालूम होगा कि कईयों के घर बने अभी। जैसे मैं डोर टू डोर करती हूँ सरधना के क्षेत्र में, हर कोई बहुत खुश है, अरे विधायक जी ने बहुत अच्छे काम कराए, हमारे मकान बने, हमारी नौकरियां लगी है, लोगों को पर्सनली भी बहुत लोगों की नौकरियां लगी है, लोग बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जो हमारी सरकार में काम हुए हैं, कुछ काम रह भी गए हैं, लेकिन इस सरकार में आपको पता है
कि काफी सारे काम आपके योजनाएं जैसे जैसे आती हैं कुछ काम रुक भी जाते हैं। 3 महीने का समय चाहिए होता है मकानों के लिए या टेंडर पास होने के लिए। आपसे मैं चाहती हूँ थोड़ा सब्र करें, विधायक जी को मौका दें, वे आपके बीच में हमेशा रहना चाहते हैं। एक भारतीय नारी के रूप में आज मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपने पति के लिए अपील करना चाहती हूँ वोट के लिए, कि आप कुछ भी करके कैसे भी करके 10 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में निकलें और संगी सोम जी को वोट दें और हमारी भारतीय जनता पार्टी को सरधना विधानसभा से खूब भारी मतों से जिताएं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, अपने मन की बात, कोई भी गलती विधायक जी से या मुझसे कहीं भी कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके माफी मांगना चाहूंगी। आपका प्यार आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी भी तरीके की कहीं भी भूल चूक या कुछ भी हुई हो उसके लिए हम मैं दोनों की अपने पति और अपनी आप अपनी तौर से और अपने बच्चों की अपने समस्त परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि जो 10 फरवरी को चुनाव है अधिक से अधिक मात्रा में खूब वोट डाले और भारी मतों से मेरे पति को सरधना से चुनाव जितवाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया भैया।